बिल्डिंग्स जो भी आजकल बनती है, जिनके मुझे पता है कि 65 करोड़ का इसका कॉन्ट्रैक्ट था और 65 करोड़ में शानदार बिल्डिंग बन सकती थी। हम तो सर बुरी तरह लिखे है, अगर कुछ दुर्घटना घट गई सर तो हमें कौन संभालने वाला है? कोई भी नहीं सर। तो ये रोज ऐसे ही गिरता रहता है, ये कोई संभालने वाला नहीं? कोई नहीं संभालने वाला, ना कोई ध्यान देता इस पे। नहीं, रोज का तो पता नहीं कब जैसे गिर जाए सर। हाँ। बिल्डिंग ये ऐसी है ना, कभी कभार ईंट वगैरह जैसे हम गुजरते हैं। हाँ। तो कभी कभार ईंट पड़ जाती है, गुजरना ही बाहर से पड़ता है यहाँ से, जैसे आगे को ना, यहाँ से कहीं ऊपर से नीचे ना गिर जाए, उसका ही डर रहता है। कई बार सर मैंने डिस्कस भी किया था बच्चों से कि भाई एक कहने से हमें टीचरों से कि सर जी यहाँ पे प्रतिदिन पड़ती है, तो बात कुछ ना कुछ बात किया कभी किसी से? नहीं, सॉल्यूशन नहीं भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पे यहाँ पे बनाया गया था, जिसमें हजारों बच्चे कोर्स कर सकते हैं, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है कि हरियाणा में इस तरह के नेता हुए, हरियाणा में इस तरीके की सरकारें आई जिन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने अपने जीवन में इस तरह का खुला भ्रष्टाचार नहीं देखा जैसा इस बिल्डिंग में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, आप दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, बिल्डिंग के किसी पिलर पे देख लीजिए, 10 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, लेकिन इसमें एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ क्रैक ना हो। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग रेत के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो बच्चे एक कॉर्नर में कुछ कमरे सही हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी लाइफ को भी रिस्क है। ये पूरा का पूरा 65 करोड़ का मुझे बताया गया ये प्रोजेक्ट था, और 65 करोड़ रुपया शायद इन्होंने भ्रष्टाचार में खा लिया। अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम का कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मैं खट्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकार में नहीं आए थे 2014 में, तब तो बड़ा कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सारे भ्रष्टाचार के सबूत बिखरे पड़े हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार है, उनके समय का प्रोजेक्ट है। कोई भी अफसर, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जेल में क्यों नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जी आपस में मिले हुए हैं? क्या ये एक दूसरे को मदद करते हैं भ्रष्टाचार में, कि जब हम भ्रष्टाचार करेंगे तुम चुप रहना और जब तुम भ्रष्टाचार करोगे तो हम चुप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिले जुले भ्रष्टाचार की ये खुली तस्वीर है ये आईटीआई। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इस मामले को उजागर करेंगे और दोषियों को सजा? इस मामले में आईआईटी रुड़की की एक टीम बना के उसकी जांच भी कराई गई है, उसने पूरी रिपोर्ट दी थी। ये पूरी बिल्डिंग अनसेफ है, इसके सारे पिलर्स, सारे कॉर्नर्स, सारे मटीरियल की आईआईटी रुड़की ने जाँच की है। उस जाँच रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर आ गया है कि ये जो तय मानक हैं उन पर नहीं बनी हुई है बिल्डिंग, और उनसे बहुत नीचे स्टैंडर्ड की है, इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ, उस रिपोर्ट से भी साबित होता है। लेकिन उसके बावजूद आज कोई भी जेल में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो जो भी भ्रष्टाचारी इस बिल्डिंग को बनाने के अंदर शामिल हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो उस वक्त के मुख्यमंत्री क्यों ना हों, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमारा इतिहास है, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, अपने लोगों का भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने कोशिश की थी, जेल के अंदर हैं अभी, आज ही एक मैंने सुना एक पंजाब के अंदर कोई ड्रग्स पकड़ी गई किसी व्यक्ति के पास, वो पंजाब के किसी मंत्री के रिलेशन में था, लेकिन हमारी पुलिस ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी भी तरीके की लूट सरकारी पैसे की बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खुला भ्रष्टाचार है। अगर लोगों ने मौका 2024 में आम आदमी पार्टी को लोग मौका देने जा रहे हैं, इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार, मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया था, एक फ्लाईओवर बना हुआ है यहाँ पे, वो भी भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल का है, उसके भी हर एक पिलर के अंदर दरार है, क्रैक है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई भाजपा सरकार नहीं करती। हमारा खुला सवाल यही है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो किया, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? भारतीय जनता पार्टी किसी को जेल भेजती क्यों नहीं है? कांग्रेस का एक भी नेता जेल क्यों नहीं गया पिछले 9 साल के अंदर? ये वो सवाल हैं जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या दोनों ने आपस में ये समझौता कर रखा है कि खुला भ्रष्टाचार कीजिए, हमारी सरकार आ गई तो आप जेल नहीं जाएंगे और आपकी सरकार आ गई तो हम जेल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दोनों जेल जाएंगे? अभी तो अनिल विज जी सिर्फ ये कहते हैं कि कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जेल में कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए। मैं अनिल विज जी को भी कहना चाहता हूँ, आपके पास मौका है, लगभग 1 साल बचा है चुनाव में, अगर वो कमरा तैयार है तो ऐसे मामलों की भ्रष्टाचार की जांच करवा के भूपेंद्र हुड्डा जी को उस कमरे में भेज दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए
और उस कमरे का इस्तेमाल ड्यूअल शेयरिंग में करना पड़े, अनिल विज जी के साथ भूपेंद्र हुड्डा जी भी उसी कमरे के अंदर बैठे नजर आए। शुक्रिया। अच्छा और राणा साहब, आप कह रहे हो कि भाजपा पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन मनीष सिसोदिया पे एक्शन लिया तो? देखिए, जहां इनको नजर आता है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्कूल अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको जेल में डालते हैं, लेकिन जो इस तरीके की बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन जो खुला भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे पता लगा कि हरियाणा के अंदर शराब की 75,000 से ज़्यादा पेटियां सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं, यानी 9,00,000 बोतल शराब हरियाणा के अंदर गायब है। वो कहाँ चली गई? क्या ये शराब घोटाला नहीं है? क्या उसका पूरे के पूरे स्टॉक का इस्तेमाल जहरीली शराब उसमें मिक्स करने के लिए नहीं किया जा रहा? क्या इल्लीगल तरीके से उनको सेल नहीं किया जा रहा? इस घोटाले की जांच कब होगी? सीबीआई ईडी यहां कब आएगी? तो ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी ये पीठ थपथपाते हैं, उनको अपने साथ जोड़ के रखते हैं, और जो ईमानदार हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ये जेल में डालते हैं कि तुम ये गलत काम करो। शुक्रिया।